सुबही खान जी, ब्रेक पर जाने से पहले हाजिर खान साहब ने कहा कि अगर धर्म छिपाकर कोई प्यार मोहब्बत कर रहा है, बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा है और इसके पीछे अगर ये एंगल निकलता है तो सजा दीजिए, हम भी उसकी पैरवी नहीं करते हैं। लेकिन क्या एक घटना को एक अपराध के तौर पर देखने से ज्यादा उसके पीछे पहले धर्म देखा जाएगा, पहले उसे लव जिहाद से देखा जोड़कर देखा जाएगा, ये प्रैक्टिस कहां तक सही है? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे राजनीतिक छीछा लेदर कर रहे हैं वो करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं सभी पैनलिस्ट से सम्मान पूर्वक कहना चाहती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोले तो मेरे बीच में भी कोई ना बोले। अभी स्वाति मालीवाल जी बैठी थी, बार बार बोल रही थी केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, दिल्ली में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को वो कभी ये नहीं कहेंगी कि आप फ्री इंटरनेट बांटते हैं, एक दारू पे दूसरी दारू की बोतल फ्री बांटते हैं, फ्री बिजली देते हैं। तो ये साइकोपैथी, ये निठल्लापन, ये अकर्मण्यता युवाओं में आप अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो क्राइम्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप उन लोगों में से हैं जो चोर को कहते हैं चोरी करो और चौकीदार को कहते हैं कि चौकीदारी करो। तो ये अकाउंटेबिलिटी दिल्ली सरकार की और युवाओं को भटकाने भड़काने की और अपराधी बनाने की मैं बिल्कुल मानती हूँ। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ लव जिहाद के एंगल पर। प्राची जी एक बात बताइए, लव मैरिज के खिलाफ तो हम कभी नहीं है, भारत में तो राधे कृष्ण कहा जाता है, भारत में प्रेम को मनाया जाता है। मैंने भी एक हिंदू लड़की से शादी, मैरिज एक्ट में कोई भी दो डिफरेंट रिलीजन के लोग बच्चे शादी कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए, समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहिए। आपका दिमाग खुलता है कि आपकी सोच से अलग भी कहीं दुनिया एग्जिस्ट करती है। जी लेकिन अगर प्यार के नाम पर आप कहीं पहचान छुपा के शादी कर रहे हैं और बाद में पहचान खोल रहे हैं, जैसे तारा शेख सहदेव, या फिर आप लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है तो उसके दिमाग में आप गोली मारे दे रहे हैं चौराहे में, उदाहरण निकिता तोमर, या फिर आप लड़की को कन्वर्ट करके शादी करवा रहे हैं और उसके बाद जब वो आपकी बीवी बन जाती है अपना रिलीजन भी छोड़ देती है, अंजना तिवारी से आयशा बन जाती है, तो आप बहुविवाह कर लेते हैं, दुबई में जाके दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं कि जी इस्लाम में तो चार शादी अलाउड है, और वो अंजना तिवारी क्योंकि वो सब छोड़ चुकी है, उसे लखनऊ विधानसभा के आगे आके अपने अंदर आग लगा सकती है। एक और उदाहरण देती हूँ, एक नीतू नाम की लड़की, नाम बदल के बोल रही हूँ, मैं उस लड़की को पिछले 20 सालों से जानती हूँ, 10 साल से एक मुसलमान लड़के से संबंध थे, शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक शोषण करके उस लड़की का, फिर कहीं जाके दूसरी लड़की हिंदू लड़की सॉरी मुसलमान लड़की से निकाह कर लेता है। जो तमाम केसेस बता रही हैं इस पर इनकार नहीं है, लेकिन हर केस को अगर लव जिहाद से जोड़कर आपको लगेगा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये गलत है। हाजिर खान जी इस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि हिंदुस्तान भी आज से नहीं हो रहा, हमेशा से होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके परिवार की किसी से हिंदू से शादी हुई है, किसी मुसलमान की हिंदू से शादी हुई है लड़की की, किसी लड़के की हिंदू से, अभी हमारे सामने हुई है, ये हम देख रहे हैं, ये हमारे देश की परंपरा है, देश की एकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी लड़का किसी लड़की को धोखा दे रहा है तो वो मुजरिम है, वो अपने मजहब को भी बदनाम कर रहा है, देश के संविधान के साथ भी धोखा कर रहा है। प्यार करना जुर्म नहीं है, प्यार करना वो नहीं है, एक दूसरे के बीच में शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना जुर्म है, किसी का कत्ल कर देना जुर्म है। और मैं ऐसे लोगों के जो साहिल है इसको ये चाहूँगा और कोर्ट से अपील करूँगा कि इसको खड़े होकर आज ही फांसी दी जाए, इसके कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं। कलीमुल हफीज, आप जब आप माफ कीजिएगा हाजिर खान, अभी जब आप ये बात कह रहे हैं, ये बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये बात जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो कन्वे क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बात लोगों तक पहुँचा क्यों नहीं पाते हैं, ऐसी सोच के लोग क्यों हैं जो लड़कियों को धोखा देते हैं नाम बदल कर? घटनाएं तो हिंदुस्तान में 3000 पर डे हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में 3000 पर डे घटनाएं ऐसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।